हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज़ किचन। तो आप जो ये देख रहे हैं ढेर सारे ये करी के पत्ते, ये करी पत्ते मैं कई रेसिपी बनाने के लिए यूज़ करूँगी और ये मैंने आज ख़रीदे हैं इतने सारे ढेर सारे करी पत्ते। तो अगर आपके पास कहीं आसपास पेड़ अवेलेबल है तो आप वहाँ से ये करी पत्ते ले सकते हैं, नहीं है तो आप सब्जी वाले भैया से भी ये पत्ते खरीद सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, हेल्थ बेनिफिट्स भी बताऊंगी, साथ ही बताऊंगी कि आप स्टोर कैसे करके रख सकते हैं ये करी पत्ते, बहुत सारी रेसिपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स में आपको और भी कैसे कैसे ये यूज़ करें। साथ ही बताऊंगी कुछ ब्यूटी टिप्स, ये ब्यूटी टिप्स में आप किस तरीके से करी पत्ते यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो यूज़फुल और मेरे सजेशन, मेरे टिप्स पसंद आए, मेरी वीडियो बनाने की मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड फ्री सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने ये करी पत्ते लिए हैं, यहाँ पे मैंने गिलोई भी लिए हैं, आप कुछ गिलोई के भी पत्ते देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी बेल है ये गिलोई की। तो ग्लोई जो है ये खाने में क्या होता है ना, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आपके पेट पेट में कोई भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको एसिडिटी हो रही, उसमें भी बेनिफिट्स रहेगा ये गिलोई और करी पत्ता। साथ ही आपके पेट में स्टोन है या लीवर फैटी लीवर है, या फिर आपके लीवर में थोड़ा सा डैमेज हो रहा है या किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट्स है ये, बेनिफिशियल रहेगा ये करी पत्ता और गिलोई। इसको क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने इस तरीके से ये इसकी जो लीव्स है आप देख सकते हो कि मैंने ये कुछ इस तरीके की ये मैंने लिया था, एक डंडी ली थी इस तरीके की। तो इस तरीके से मैंने पत्ते तोड़े, पत्ते मैंने आपने तोड़े तो आप देख सकते हो कि मैंने ये डाले हुए हैं इसमें पानी में। तो पानी में डालने से क्या होगा कि इस पर जो डस्ट वगैरह जम जाती है ना, ये पत्तियों पे जो डस्ट वगैरह जम जाती है ना, तो ये डस्ट पानी में जाके थोड़ा सा घुल जाएगा और ये अच्छे से आपने 2-3 बार वॉश कर लेना है। तो आप ऐसे ही खा सकते हैं इसको। अगर आप जूस वगैरह बना रहे हैं तो आप जूस में भी यूज़ कर सकते हैं गिलोई का पत्ता और ये करी पत्ते। कुछ आपने इतने से करी पत्ते आपने जूस में डालने हैं और आधा इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है खाने में फ्रेंड्स गिलोई, तो इस लेकिन बेनिफिशियल बहुत है, हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं इसके। तो आप ज़रूर यूज़ करें, आधा करी ये ले लें गिलोई का पत्ता और थोड़े से करी पत्ते, वो जूस में भी आप डाल के पी सकते हैं, बना रहे तो उसमें डाल के पी सकते हैं। साथ ही आप अगर आप इसमें आपके पेट में कीड़े वगैरह हैं तो कीड़े वगैरह के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने सुबह खाली पेट ये इतने करी पत्ते खाने हैं। सबसे पहले आप अगर करी पत्ते और गिलोई का यूज़ करें तो सबसे पहले, जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है, तो पानी में डाल के अच्छे से आप धो लें। फिर अगर आप आपको फ्रेश ताज़ा मिलते हैं डेली के डेली, तो आप इस तरीके से धो के खाएं। यदि आपके पास फ्रेश ताज़ा नहीं है, डेली यूज़ नहीं आप मतलब ले पा रहे, एक साथ ही आपने लेने और स्टोर करना है, तो उसको इस तरीके से स्टोर करें। ये स्टोर करने का तरीका, जैसे मैंने ये कंटेनर एक लिया, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये कंटेनर मैंने लिया है। अब इस कंटेनर में आपने क्या करना है, एक बिछाना इस तरीके का, एक टिश्यू पेपर बिछा लेना, और टिश्यू पेपर बिछाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो करी पत्ते आपने धुले हुए हैं जो करी पत्ते, वो आपने इस तरीके से, या फिर आप कोई कॉटन का कपड़ा या हैंकी है तो उसमें आप इस तरीके से ये करी पत्ता और गिलोई थोड़ा सा कॉटन के गीले कपड़े में इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे ना, तो आप रोज डेली के डेली आप खा सकते हैं। आपके पास प्लास्टिक का डब्बा हो या कांच की बोतल तो आप उसमें इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा, आप चाहो तो इस तरीके से आप कोई आपके पास मतलब बोतल वगैरह हो ना, तो आप उसमें भी इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं करी पत्ता, या फिर आप जो ग्लोई है ये रख सकते हैं। आप करी पत्ता सब्जी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से फ्रिज में रख लीजिए तो आपने डेली के डेली खाने हैं, ठीक है जी। आप चाहो तो इस तरीके से जो मैंने ये ट्रे ली है, आइस ट्रे, इस तरीके से आप करी पत्ता इसमें डाल दीजिए ढेर सारे, इस तरीके से डाल दीजिए, साथ में डाल दीजिए पानी। आप आइस क्यूब भी इसके बना के आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज का हो गया तरीका।
इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो मैं आपको बता रही थी, अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं या फिर बड़ों के भी पेट में कई बार कीड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो करी पत्ते जैसे मैंने आपको बताया सुबह खाली पेट खाने हैं, कई बार खाली पेट नहीं खा पाते तो अगर आपने कुछ खा लिया तो भी आप खा सकते हैं, ये आपको बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम देंगे, तो आप ये खा सकते हैं। अगर आप फैटी लीवर है आपका, गैस बन रही है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है पेट में और कब्जी इतनी रहती है कि बाल वगैरह भी आपके पूरे झड़ चुके हैं कब्जी के वगैरह से, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको कब्जी ज़रूर होगी, अगर आपको कब्जी है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ब्यूटी टिप्स पे, तो ब्यूटी टिप्स में अगर आपके बाल वगैरह झड़ रहे हैं तो आप जैसे मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना, तो मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी का जैसे पेस्ट लगाते हैं, तो आप मेहंदी में चाहो तो ये पत्ते यूज़ कर सकते हो पीस के, जैसे मेहंदी पीसी आपने हरी मेहंदी पत्ती वाली, तो उसमें आप ये थोड़े से आप डाल दीजिए तो आप मेहंदी के पत्ते पीस के उसके साथ लगा सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से ये आप पत्तों का पेस्ट बना लीजिए, तो ये पत्ते का पेस्ट जो होगा ना बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगा, ये पत्तों का पेस्ट आप बना के अपने बालों में लगा लीजिए और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप रहने देना है, और इसका पेस्ट बिल्कुल पतला नहीं बनाना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना जैसे मेहंदी का होता है वो आप लगाएं, आप हफ्ते में एक बार लगा लेंगे तो आपके बाल जो झड़ रहे होंगे वो कम से कम 60-70% आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक बार में आप लगाएंगे तो आप चाहें कि 100% रिजल्ट मिल जाए ऐसा नहीं होगा, अगर आप चाहो तो आप वीक में एक बार लगा सकते हो, आपको महीने में आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। आप करी पत्ते का तेल भी बना के यूज़ कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा आप तेल गर्म कर लो, आप नारियल का तेल यूज़ करते हो या फिर सरसों का, उसमें आप ढेर सारे करी के पत्ते डाल दीजिए और फिर उसको थोड़ा सा गर्म करके छान लीजिए, वो करी का ये आप करी पत्ते ऑयल भी आप बना के इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पेट में जो आपके गड़बड़ रहती है ना, किडनी वगैरह है उसके लिए, शुगर अर्थराइज और जो डायबिटी पेशेंट है ना उनके लिए, बीपी जिनका लो और हाई रहता है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आज के टिप्स और सजेशन और आइडियाज़ मेरे पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड फ्री सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं हेल्थ बेनिफिट्स पे, तो आप वो ज़रूर चेक करिएगा। इसके अगर आप थोड़ा सा भी, आप इसका पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, आप पौधा इसका लगा लीजिए और डेली के डेली आप सुबह खाली पेट इसके खाइए, देखिए अगर आप वेट लॉस करें वेट लॉस के लिए तो ये इतना रामबाण इलाज है कि आप गिलोई और करी पत्ता आप सुबह सुबह ज़रूर खाइएगा, इसको अपने डाइट में शामिल करिएगा। आप अगर आप गिलोई का पत्ता जैसे आप खाली पेट खा रहे हैं वो खा सकते हैं, एंड अगर आप कोई वेजिटेबल वगैरह बना रहे हैं या फिर आपने खाने की कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें ये करी पत्ता यूज़ करें, गिलोई नहीं यूज़ करें क्योंकि गिलोई कड़वी होती है, तो आपने जो गिलोई यूज़ करनी है वो खाली पेट सुबह यूज़ करनी है, सब्जी वगैरह में नहीं यूज़ करनी है। कई लोग पत्तों की सब्जी बनाते हैं पर अगर आपको पसंद हो आप बना सकते हैं, बट ये करी पत्ता आप अपने खाने में ज़रूर यूज़ करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आँखों में प्रॉब्लम है, आँखों में आपको कम दिखाई देता है, चश्मा चढ़ा हुआ है, तो आँखों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये करी पत्ता और गिलोई, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें एक बारी। अगर आपको मेरे वीडियो और भी आपको वीडियो देखने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, उससे बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए और सीखने के लिए। तो ये आप करी पत्ता आप जितने आपने खाने में यूज़ करेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो फ्रेंड्स, अगर पेट में आपको दर्द रहता है, गैस ज़्यादा बन रही है और मरोड़े से उठते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये करी पत्ता, ज़रूर यूज़ करें। अब यहाँ पे आप सब्जी जो भी आप बनाएं, स्टोरेज का मैंने बता दिया, आप किसी भी सब्जी में इसको यूज़ कर सकते हैं, कढ़ी में यूज़ कर सकते हैं, नमकीन वगैरह बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, इसको रायते वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने ये डंडी वाला है करी पत्ता, तो इस तरीके का ले लेना, इस तरीके के पत्ते तोड़ लेना, पत्ते तोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कॉटन टॉवल पे डाल के और इसको इसका पानी अच्छे से निकाल लेना, पानी से अच्छा निकाल लेना, बिल्कुल इस तरीके के ड्राई हो जाने चाहिए, ड्राई हो जाएंगे फिर इनको आप फ्राई कर लीजिए।
फ्राई किस तरीके से करना है वो उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, वो आप देख सकते हो, तो आपको मतलब मिल जाएगा। उस तरीके से फ्राई करके रख लीजिए, फिर आप इसको सब्जी में इस्तेमाल करिए या फिर रायते में इस्तेमाल करिए, इसकी चटनी बनाइए, सूखी चटनी बनाइए, ड्राई चटनी बनाइए, इसकी आप चटनी भी, अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप चटनी भी बना के इसकी खा सकते हैं, चटनी में यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी नमकीन भी बना सकते हैं, तो मैं इसकी बनाऊँगी नमकीन, और क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रे के लिए मैं बहुत सारे वीडियो में इसको यूज़ करूँगी। और तो आप देखिए, अगर आपको ये करी पत्ते से मतलब नवरात्रे के या करी पत्ते के वीडियो देखने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें अब आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, सीखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए, मेरे सजेशन, मेरे आइडिया, मेरे टिप्स यूज़फुल लगें, पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को फ्री सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।